हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट कुछ शॉपिंग करने के लिए। मैं हूँ, तब्बो है, आमिर है और सेविल है। तो हम लोग सब जा रहे हैं स्टेशन। आमिर विद कलरिंग हेयर किधर है? नहीं, 150 रुपया। 150 वीडियो में आ गया डाली ना ये हमारे बिल्डिंग में रहती है। लेंगे नहीं, खाली पूछ रहे। मम्मी क्या देख रहे हैं? तब बोल रहे फिर तो कभी नहीं मिलेगा। पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा देखने के लिए। अच्छा, उसका किधर भी बैग है ना। तो ये ऑफिस का बैग लग रहा है। ये तो ऑफिस वाला लग रहा है ना। नहीं, ये स्कूल के लिए ऑफिस वाला यही मटेरियल है, बड़ा साइज मिलता है। तो ये साइज का मिलता है ऑफिस के लिए। भाई ये वाला बैग बताओ, लेडीज है ये? नहीं, वो ये नहीं सकते। ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा उसके लिए ये बड़े बच्चों का बैग लग रहा है। काफी अच्छा गिर। अरे थोड़ा कार्टून टाइप में कैसा दिखाओ, एनिमेशन में फिर आप जो क्वालिटी वो मांग रहे हो वो नहीं मिलता। BTS और छी बीट छक्के गिनाता देख। एक छक्का, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अरे BTS ये क्या है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात, ये। तो अभी हम लोग आए हैं दूसरी दुकान में। उसके ऊपर साउंड मम्मी बिठाने वाले। दूसरी दुकान में लड़का। चल लग जा काम पे। मम्मी पीछे भी देखो। वीडियो नहीं आ रही है, गाड़ी भी ला रही है। गाड़ी निकलने से पहले सत्तर। ये वाला अच्छा लग रहा है, प्यारा सा। यहाँ दो जन के झगड़े हो रहे, फाइटिंग। गाइस ये देखो, ये चप्पल की चपला आमिर की जैसी शक्ल लग रही है। अभी थोड़ी लंबी कल पत्र।
भैया चार दो। मैं नहीं पी रहा, मैं नींबू पानी कौन पीऊंगा। तो मम्मी पिला रहे हैं नींबू पानी। हाँ सब लोग ये आमिर बोल रहा है कि तू तब्बू दीदी ये मत बोल कि मैं चड्डी बिड्डी भी ले रहा हूँ। वो छुपाना चाहता है कि वो चड्डी पहनता है, वो नहीं पहनता है, चड्डी नहीं पहनता है। अम्मी अबे मैं लिया था ये व्हाइट वाली। अल्लाह तू गाड़ी तोड़ दिया। आमिर जो चीज वाला दाबेली खाने आओ। पकड़िए तब बुझी दी ऐसा पकड़े तब पोस्टमार्टम करके उसके रिपीट करेंगे। तो ये गाड़ी किसकी वही तब्बू रोज आते जाते कोई तब्बू को कौन सी गाड़ी है ये वाली गाड़ी की तब्बू तब्बू ये वाली मर्सिडीज है ये वाली ये हम रोज वॉक पे आते जाते ना इसको बहुत पसंद आती भाई गिफ्ट कर दो कुछ भैया तो कोई गिफ्ट कर दो एक आध जन मेरे को ये गाड़ी। फाइनली हम लोग घर पे आ गए हैं। ये बेटा बंद कर दे किसको भी जरूरत करती भाई के लिए बंद कर दे नहीं नहीं चलो फटाफट घर पे हम लोग जाएंगे फिर खाएंगे फ्रेंकी। और इससे पहले मेरे पैर देखो कितने गंदे हो वाला स्लीपर पहन के आगे में व्हाट अ ब्यूटीफुल। हम लोग खाने गए थे पाटपुरी अनलिमिटेड हमारा हो गया पचका ने टाइमिंग रखा था तो अभी एक बताया था सेवी ने इंशाल्लाह उधर भी जाकर देखेंगे अगर मिलता है कॉफी वाला अगर उधर मिलता है तो ठीक उधर भी खाते आएंगे देखेंगे। वो नहीं मिला तो ये लेके आए मुझे क्या बोलते हैं फ्रेंकी और ये किसने दिलाया बाजार से जाके आए फ्रेंकी लाए थे फ्रेंकी खाए कबूल थी चीज फ्रेंकी थी मेरी नूडल्स फ्रेंकी थी फ्रेंकी खा रहे थे ब्लॉग बना रहे थे तो रूबीना भाभी का फोन आ गया तो ब्लॉग बंद करे फिर उनसे बात करे फिर वो बोले तुम खा लो करके फिर खा लो बोल के फिर काम में लग गए ब्लॉग का मुझे याद ही नहीं रहा और खाना तो फिर मैंने भी नहीं खाई कबू ने भी नहीं खाए बस सामिर और इसके क्योंकि हम लोग डाइट पे हैं डाइट पे सब खा रहे मैं तो डाइट पे भाई ये कैसी डाइट है बताना मुझे डाइट पे जाने के बाद चीज वाली फ्रेंकी खाते क्या वो दिन में से एक बार कुछ हैवी खाना चाहिए कुछ भी कौन बोला ये मेरा डाइट है ये डाइट खाती सवेरे नाश्ते में मेहंदी वड़े खाती पिज्जा खाती बर्गर खाती और ये डाइटिंग करती तो मैं दोपहर का खाना नहीं खाती ना आज नहीं खाती खाना तुम्हें अंडे का आज खाई थी दो दिन से मैं दोपहर का खाना नहीं खा रही थी डाइट पे थी ना करती दोपहर का खाना नहीं खाती फिर रात को हो गया गुड़ खा रही है गुलगुले अच्छा ये क्या करती दोपहर का खाना नहीं खाती और रात को ना वो बिचारी बैलेंस कर देती पिज्जा बर्गर को कमजोरी आ जाती मालूम ना फिर और फ्रेंकी और वो भी खाई थी क्या नाम अमित तुमने क्या दाबेली वो दाबेली के अंदर फ्रूट्स रहते मालूम ना तुमको अनार अरे ना हम लोग का बहुत बुरी तरह पचका हो गया
पानी पूरी के लिए हम तो गए थे अनलिमिटेड पानी पूरी खाने के लिए, पर उसकी लिमिट थी। हाँ यार, आमिर पीछे आईने में से दिख रहा है। आमिर क्या लगा रहा है? हम लोग गए थे यार, फिर से घूमूंगी और फिर से जाऊंगी पानी पूरी खाने के लिए, क्योंकि हम लोग का 15 रुपए में मन नहीं भरता है। 15 रुपए गए था, मतलब 40 रुपए की प्लेट हो गई थी। हाँ, पानी पूरी वाले तो भी कम आते। हम लोग को ज्यादा खाने की हवस रहती है। हम लोग हवस ही है खाने के पानी पूरी, तो हम लोग सच्ची एक प्लेट में तो कभी मेरा पेट नहीं भरता, ये बात सच्ची। हम लोग है ना 50 वाली खाएंगे जाके, उसमें ज्यादा मिलता है और क्वालिटी कम रहती है। अब वो खाने के बाद पता चलेगा कि अच्छी क्वालिटी है। मतलब मैंने नासिक में खाई थी तो एक नंबर थी। अनलिमिटेड बात अनलिमिटेड की चल रही। पानी पूरी अपने इधर ज्यादा अच्छी मिलती है। मम्मी को एक ही प्लेट दिला देना। नहीं, मेरे को है ना बाहर से अच्छी अपनी लगती, मुझे अपने हाथ की अच्छी लगती। अच्छा, मैं ये बता रही थी मैं। और बाहर अपन कभी इतना ज्यादा कभी खाई ले क्या पुणे? नहीं, वो रूबीना मुमानी ने अपने को खिलाए थे बंगले पे। हाँ, वो वाली बहुत अच्छी थी। हाँ, एक नंबर पानी पूरी खाई थी बंगले के ऊपर। और फिर हम लोग के जो नासिक वाले घर है ना, वहाँ नीचे भी पानी पूरी आती 10 के 6 ना, तब वो 10 के 5। मेरे को तो याद है संजू और मैंने हाफ हाफ खाए थे, दो दो तीन तीन कुछ खाए थे। हाँ, तो वही 10 के 5 या 6 आते। बस मैंने उधर नासिक में खाई थी, बम्बई में तो ज्यादा खाती नहीं मैं, क्योंकि है ना 30 रुपए के 6 या 40 रुपए के 6 ऐसी हो गए। तो इससे बेहतर है अपन घर में लाओ, मन नहीं भरता है हमारा। हाँ, मन नहीं भरता। मैं कम से कम एक पैकेट खा लेती हूँ। नहीं नहीं, माजी ने लाके दिए थे अपने को 2-3 बार। सड़ी लेके आए थे तभी। तभी लेके आए थे, सड़ी ले रही थी, अच्छी थी पर टेस्टी नहीं थी जितनी रहनी थी। पर वो चलो तबीयत खराब थी, तो इस हिसाब से मेरे को तो वो भी बहुत अच्छी लग रही थी दवा गोलियां खाने का। तो मुझे ज्यादातर अपने हाथ की अच्छी लगती, ऐसी नहीं कि मैं अपनी बड़ाई बन मार ली हूँ, पर तब वो मैं अच्छी बनाती। हाँ, पानी पूरी का पानी बहुत अच्छा बनता है। हाँ, और मीठा खजूर वाला भी अच्छा बनता है, पर सबसे अच्छा तीखा पानी लगता है कि फ्रिज में रख के पीते एक दो दिन तक का। ऐसा इनको तीखा अच्छा लगता है। इसके अब्बा को ना वो खाली मीठी पानी पूरी खाते, खजूर की मीठी चटनी खजूर की वो बहुत अच्छी लगती है। बनाने का सोचते हैं किसी काम के अंदर आलसी बनाता है मम्मी को, बहुत टाइम ही नहीं मिलता। ऐसा नहीं देखो कैसा रहता है, सवेरे उठो आमिर का चाय नाश्ता करो, फिर टिफिन बनाओ वो चले जाएगा काम पे, फिर हम लोग का चाय नाश्ता करो, फिर खाना बनाओ वो सब में, फिर खाना पीना बनाने के बाद ना मुझे बहुत ज्यादा नींद आती, कुछ मन नहीं लगता क्योंकि मैं जल्दी उठ के बहुत देर से फोन नहीं चलाए रहते, तो ऐसा लगता है कि लेट के कभी फोन चलाए, 2-3 घंटा हो जाता है फोन चलाने मिलता नहीं है, तो लेट के फटाक से फोन चलाने लगता है। नहीं, असल में क्या होता है, मालूम है मैं 11 बजे, असल में मैं बनाती कम खाती ज्यादा। नहीं, मैं 11 बजे सो के उठती, पर आमिर के लिए है ना मैं जल्दी उठ जाती 9-10 बजे से। नहीं, 10 बजे तो नहीं, 1-2 बार उठी थी 10 बजे, वो आमिर ने भी नहीं उठाया था, मैं फिर आँख खुल गई तो उठी, नहीं तो मैं 9-9:30 बजे उठती अभी। तो ना मुझे ना 10-10:30 बजते क्या, तुम्हारे से पहले मैं उठती हूँ, 5 बजता है नहीं इधर मुर्गी की बांग क्यों जाती ना, वैसी मैं उठती हूँ। अच्छा, कल ब्लॉग तब्बो दीदी 5 बजे उठेगी ना। हाँ, मैं तब्बो का ब्लॉग बनाऊंगी, देखती हूँ कितने बजे उठती है। 5 बजे से मुर्गी की बांग आती ना कुकड़ो को, तो यहाँ मेरी नींद उठती है और मैं पप्पा को गाड़ी पे जाने उठाती हूँ। कुछ भी नहीं, सबसे पहले माजी उठते, फिर इसके अब्बा उठते, कोई कुछ नहीं, फिर इसके बाद मैं उठती, आमिर उठता या फिर आमिर उठ जाता, मैं उठ जाती। अभी तो मेरा बच्चा मुझे उठा रहा भी नहीं, मैं सोई रहती तो वो भी नींद खराब नहीं करता। हाँ, तब वो भी जाते। हाँ, नहीं करता, नहीं उठाता। अच्छा, देखती हूँ कल सुबह। हाँ, देख ले आमिर उठाता तो मैं सोई रहती तो नहीं उठाता, और तब वो भी ऐसी जाती थी ना काम पे। मैं तो एक दिन भी नहीं उठाई, ऐसा बोलो ही मत, मेरा तो बोलना ही मत। हाँ, उठाती पर एक दिन भी मैंने तुमको कभी नहीं खाने के लिए भी नहीं उठाई हूँ, ना नाश्ते के लिए। मैं काम पे भी जाती थी ना बिना टिफिन के जाती थी, मारूंगी ना टिफिन भी देती थी मैं तेरे। मैं मेहनाज का टिफिन खाती थी, मेहनाज का टिफिन खाती थी, पर मैं भी टिफिन देती थी तेरे को। रुको एक मिनट, कौन सा टिफिन बना के दिए मम्मी तुम बताओ जरा। दो चार बार मैं मैगी लेके जाती थी, दो चार बार ज्यादातर मैं कभी कभी मैगी बना के लेके जाती थी, बस। हाँ, याद नहीं रहता मम्मी, मेरे को मालूम, मैं नहीं लेके गई हूँ टिफिन, लेके जाती थी कभी कभार, लेके कभी कभार जैसे महीने में 2-3 बार बस। पैसे, हाँ पैसे भी, कि खाने में बाहर का खाना कितने का आता है तुमको मालूम नहीं है अभी। मालूम है, फ्राइड राइस डाइनिंग पे 30 रुपए कम देती थी, फ्राइड राइस 60 रुपए की आती थी, इसलिए अभी डाइटिंग पे मैं नहीं, तो पहले से डाइटिंग पे थी,
डाइटिंग पे लेने, डाइटिंग के बाद नहीं ऐसा बोला कि मैंने तुमको परेशान नहीं किया जरा भी काम पे गई तो कुछ नहीं, मेरे तीनों बच्चों ने नहीं परेशान किया। अगर मैं सोती ना तो मेरे बच्चे लोग मेरी नींद आराम नहीं करते, उनको मालूम है। सबसे ज्यादा मैंने नहीं की मम्मी, आमिर पर तुम्हारे साथ टिफिन मंगा लेता है एक दो बजे, मैं मंगाई कभी एक भी दिन। आमिर का दो बार मैंने टिफिन भेजी थी, वो मैंने खुद से भेजी थी, वो जिम जाता ना ये वजह से। पर मेरे ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों बच्चे ने मेरी नींद खराब, पर मैं ज्यादा नहीं करी हूँ, तीनों ने मैंने ज्यादा नहीं करी, ज्यादा मेरे पास रही थी इसलिए। पर मेरे तीनों बच्चों ने मेरी नींद नहीं खराब कर ले, दोपहर की भी बोलो या सवेरे की भी बोलो, क्योंकि है ना मेरी नींद टूटी ना फिर मेरी खोपड़ी धसक जाती, फिर हमारा दिल टूटता उसके बाद। तो फिर है ना ये वजह से ना मेरे बच्चे लोग मेरी नींद आराम नहीं करते ना, मेरे ना ना चिड़चिड़ चिड़चिड़पना मेरे को बहुत ज्यादा हो जाता। सवेरे भी ना मेरा जब दिल करेगा तब मैं उठती, दोपहर को भी जब दिल करेगा दिल करता है। जब अभी कभी मम्मी का दिल नहीं कर रहा है कि मेरे को खाना नहीं बनाने का है तो मम्मी खाना नहीं बनाएंगे, फिर हम लोग ऐसे भूखे मरते रहेंगे, कुछ नहीं घंटा भूखे मरते, ऐसा कभी हो नहीं सकता। बच्चे लोग को कभी भूखा नहीं मार रही हमने, मतलब क्या बोल रही, कुछ नहीं नहीं, नहीं मेरा दिल नहीं किया ना तो मैं खाना नहीं बनाते हैं। अंडा पाव लेके जब भी बहुत कंटाल आया मम्मी को भी मेरे को भी, तब भी हम लोग अंडा पाव तो नहीं बनाती, ये बात तो सच है। वो भी कभी महीने दो तीन महीने में एक आध बार होता है, और कभी मेरा दिल करता ना किसी दूसरे के हाथ खाने का तो इनको बोल देती ये पका लेती ऐसा कर लेती मैं, या फिर होटल से मंगा लेती ऐसा बोलती। फिर मैं कभी गुस्सा आ जाती ना तो मैं ये भी बोलती हूँ तुम तो संडे के दिन आराम करते, मेरे को तो संडे के दिन भी काम करना है भाई, तुम बनाते तो बना, मैं उनके ऊपर डाल देती वो खाना बना डालते अपना, फिर संडे के दिन मैं सुकून से रहती। पर वो खाना भी कैसे बनाते मतलब सब काट कट के हम लोग देंगे, कांदा काट तब वो, बटाटा काट तब वो, चावल धो तब वो, मसाला पीस तब वो, मसाले का डब्बा दे तब वो, चम्मच हिलाने का काम करते। अभी मैं इनको बोल दी ली है भाई अभी तुम खाना बनाएंगे तो तुम्हारे हाथ का मेरे को टेस्ट मांगता, उसमें तब्बो का भी टेस्ट चल जाता हाथ का मेरा भी चल जाता, तो मजा नहीं आता। अब तुम ही सब काटेंगे, तुम ही सब करेंगे और तुम ही बना के खिलाएंगे, पहले तो खिलाते थे ऐसी। मैं तो सोच लिया अगर मेरा जरा सा भी हाथ आ गया खाने में तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, फिर वो दिन मैं होटल का। अभी तो बोल रहे थे मेरे को आज के बोले पाए ला के बना के दो, पर अभी पाए लाएंगे ना तो 4 बज जाते, फिर वो खुद ही आ जाते 1:30 बजे, तो क्या 4 बजे खाना खाएंगे और फिर कब सोएंगे और कब जाएंगे। अभी देखेंगे संडे विंडे के दिन अगर पाए लेके आते हैं तो ठीक है, पाए का सलाद बनाएंगे। और अभी पाए भी महंगे मिलेंगे, ठंडी लग रही है, बारिश हो रही है तो पाए भी महंगे मिलेंगे, महंगे भी। मूसा का बर्थडे आने वाला है, तो मूसा के लिए एक हम लोग ने सरप्राइज प्लान करे है, तो मेरे बच्चे का मूसा का बर्थडे आने वाला है, वो सरप्राइज प्लान मैंने करी हूँ पूरा। जबरदस्ती क्रेडिट अपने ले लेती है, अभी हम लोग उसको गिफ्ट देने वाले हैं और उसको और उसकी माँ को बोलेंगे कि पहचाना ये कौन सा गिफ्ट किसने दिला है। नहीं जेबा, सारा गिफ्ट मैं ही देने वाली हूँ, सारा दिमाग मैंने इन लोगों को दी, तेरे को पहले ही बता दे रही हूँ मैं, इन लोगों का इसमें कुछ भी क्रेडिट नहीं है, सारी मेहनत मेरी है। ठीक है, वो पहचान लेंगी किसका क्या गिफ्ट है पक्का ना। ठीक है, हाँ जेबा, तो जेबा पहचान लेंगी। तो थोड़ी सी खरीदारी करने गए थे हम लोग, उसी मैं थोड़ी सी खरीदारी करने गई थी, तब वो खरीदारी करने गई थी, वो सब दिख जाएगा ब्लॉग के असलियत। तो हम लोग गए थे खरीदारी करने के लिए, बेचारे बच्चे का ना बर्थडे आ रहा है, सोच रही थी मैं कुछ दे दूं मूसा को, तो मेरे पास थोड़े पैसे रखे थे ज्यादा, तो सोची मूसा के लिए थोड़ा सामान ले लेती हूँ, मैं बेचारे बच्चे के अरमान पूरे कर लेती हूँ, तो मूसा के लिए मैं थोड़ी शॉपिंग कर रही थी। ये बीच में मत बोलिए, कट कर दूंगी नहीं तो। अभी तुम खाली सुनना, अभी इसे क्या क्या बोली ब्लॉग में देखना कौन ले रहा और कौन दे रहा है, और ये वो सब मेरे को ब्लॉग कौन ले रहा ये भी सस्पेक्ट अभी है। वो कब पता चलेगा, अभी मैं खुद का व्लॉग में दिखाती नहीं करके मेरे को जबरदस्ती लोगों के हाथ में सामान थमाना पड़ता है कि ये तुम लोग लो देखो। नहीं वो कभी वो व्लॉग में बनाऊंगी उसके बर्थडे का ना, तब तुम लोग देखना। देखना कि कौन क्या गिफ्ट दिला है वो खुद बताएंगे, और मूसा को भी बोलेंगे अपना। ऐसे तो बच्चे से मैं पूछ रही थी, मामी पूछ रहा था, ये भी पूछ रही थी क्या गिफ्ट देने का, अभी वो बच्चा अभी मूसा ने बोल दिया खाला तुम आ जाओ बस, तो मैं सोच रही हूँ कि नहीं मूसा ऐसा बोलता है बेचारा बच्चा कि नहीं तुम आ जाओ मम्मी पापा बस खाला, मेरा गिफ्ट हाँ वही गिफ्ट है मेरा, तुम आ जाओ बस मेरा गिफ्ट यही है तुम तो मेरे पर, घर पे आ जाओ। फिर भी मैं सोची ऐसा अच्छा तो नहीं लगता है खाली हाथ जाने के लिए,
तो मैंने थोड़ा अच्छा बड़ा प्लान कर ली मूसा के लिए, लेके भी आ गई हूँ गिफ्ट कुछ। ये बैकग्राउंड बैकग्राउंड साउंड को कैंसिल कर दो थोड़ा, मैं कट नहीं कर सकती। तो मूसा तेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आई हूँ मैंने, ठीक है? कुछ भी मूसा देख, ये लोग जल रहे हैं क्योंकि ये लोग ने कुछ नहीं लिए, मैंने ली तेरे लिए सिर्फ। ठीक है, वो पता चलेगा ब्लॉग के अंदर, ब्लॉग के अंदर तभी, बड़े वाले ब्लॉग के अंदर। 19 तारीख को मेरे बच्चे का बर्थडे है, मेरे बच्चे को ढेर सारी दुआएं देना, मेरे जेबा के तीनों बच्चे के लिए ढेर सारी दुआएं देना, क्या फर्मा बरदार बने और पढ़ाई के अंदर आगे आए, है ना? पर मैं ये सोच रही हूँ मूसा का बर्थडे इतना धूमधाम से बनता रहता है, ये बीच वाले बच्चों के साथ में क्यों ऐसी ना इंसाफी होती है? मैं पहले की बात कर रही हूँ, तेरे नाम का केक लेकर आया था। ये बैकग्राउंड को थोड़ा कैंसिल करो, मैं बचपन की बात कर रही हूँ। अरसलान का 2 साल से बर्थडे क्यों नहीं बनाया गया धूमधाम से? ये उसके दादा ने केक लेके आए थे और उसकी दादी ने भी उसको कपड़े लेके आए थे। पर मूसा का जितना सेलिब्रेशन अच्छे से होता है उतना अरसलान का क्यों नहीं? ये सवाल मैं भाईजान से भी करूंगी, ऐसी ना इंसाफी क्यों होती है बीच के बच्चों के साथ? क्योंकि ये खुद बीच के ना, ये ज्यादातर यही पॉइंट उठाती कि बीच के बच्चे लोग के साथ ना इंसाफी क्यों थी, क्योंकि मैं बताती उसके दाद ने केक लेके आ गए थे, बच्चे को बहुत अच्छा केक लाए थे और दादी ने ना उसको 2 ड्रेस लेके आए थे और बच्चे के ऊपर इतना माशाल्लाह कपड़ा प्यारा लग रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। तो उसके दादा दादी ने लेके आ गए थे और मैं दूसरे दिन गई तो मैंने तो केक नहीं लेके गई, तो मैंने सोची चलो इस बार दादा दादी ने कर दिया, चाहे दादा दादी करो चाहे नाना नानी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही है। पर हाँ, अगर अरसलान स्कूल में जाने लायक होगा वो थोड़ा सा समझदार है ना। पर मैंने ऐसा सोची कि ये साल जैसे मैंने मूसा के लिए इतना सारा बर्थडे गिफ्ट लेके जाऊंगी, बहुत सारा सामान ले लियो वैसा, अभी फिर इसके बैकग्राउंड कैंसिल करो जरा, वैसा मैं अगले साल अरसलान के लिए करूंगी, बहुत सारा गिफ्ट लेके जाऊंगी, जैसे इस बार मूसा के लिए लेके जा रही हूँ वैसा अगले बार अरसलान के लिए। तो नहीं, क्योंकि मुझे बीच के बच्चों पे बहुत तरस आती है, बीच के बच्चों की फीलिंग मैं समझ सकती हूँ बहुत अच्छे से। नहीं ऐसा नहीं है, अरसलान का बर्थडे उसके दादा दादी ने सेलिब्रेट किए थे बहुत अच्छे से। वो वैसा नहीं मम्मी, वो तो सेलिब्रेट किए ही थे, पर कैसे जैसे मूसा का, जैसे मूसा का फर्स्ट बर्थडे भी कितना धूमधाम से बना था, अभी का बन रहा है और बीच में भी शायद से बना था कि नहीं बना था यार। मतलब अरसलान थोड़ा सा समझदार होंगे तो इंशाल्लाह हम लोग उसका ये बर्थडे बहुत अच्छे, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे घर पे आए फिर मैं सब सजाऊ सबको बुलाऊ बर्थडे जिसे करते हैं, इसे मेरा तो बच्चे लोग का तो नहीं हो रहा है ऐसा बर्थडे, मैंने तो ऐसा नहीं कर ली मेरे बच्चे लोग का, जैसे छोटे छोटे बच्चों का करते वैसा नहीं करी। पर मेरा ऐसा दिल करता कि अरसलान मूसा इनका बर्थडे मैं अपने घर पे करूँ, पर बच्चे की स्कूल भी है मूसा की तो वो नहीं आ सकता, इंशाल्लाह गोले के टाइम पे देखेंगे, अगर मूसा की छुट्टी के टाइम पे अगर गोला का बर्थडे निकलता है तो फिर गोला का करेंगे, है ना? क्योंकि अभी तो मूसा की स्कूल भी चालू हो गई यार, अभी उन लोग आ भी नहीं सकते ऐसा है, तो इंशाल्लाह हम लोग अरसलान का भी करेंगे, उसको भी गिफ्ट देंगे। हाँ अरसलान टेंशन मत ले, अगले साल जैसे अभी मैं मूसा का बर्थडे बना रही हूँ अगले साल मैं तेरा बर्थडे बनाऊंगी, और पूरा गिफ्ट है ना खाली तब वो ही देंगे, और मैं जैसा मैं मूसा का गिफ्ट, जैसे मूसा को मैं भी गिफ्ट दे रही हूँ ना एक केक, वैसा अरसलान को अगली बार पूरा एक एक गिफ्ट दूंगी। अच्छा तब वो गिफ्ट दे लेंगे, वो सब ब्लॉग में दिख जाएगा आपको कौन गिफ्ट, मूसा का बर्थडे का ब्लॉग देख लेना। क्या झूठ बात कर रहे हैं मम्मी, आज शॉपिंग मेरी चल रही थी ना? हाँ तुम्हें बताने चलती, देखो जान दो ये लोग, देखो सब झूठ बोल रहे हैं। अभी सबका मतलब थोड़ा थोड़ा बच्चे लाए, अभी तो थोड़ा सा लेके आ गए, थोड़ा सा और एक दो राउंड मार के थोड़ा सा सामान और लेके आएंगे, देखेंगे जो बोले लाए मूसा ने वो मिलता के नहीं। जान दो भाई, मूसा ने मेरे को बोला है खाला तुम आ जाओ मैं चले जाऊंगी, बच्चा बार बार यही बोल रहा तुम आ जाओ खाला ये गिफ्ट है मेरा, तुम आ जाओ मम्मी यही गिफ्ट है मेरा, पापा का मामू तुम आ जाओ यही गिफ्ट है मेरा। और उसको अभी ताने भी नहीं मिल रहा, उसकी स्कूल चालू हो गई तो हम लोग बोले कि हम लोग खुद जाएंगे अच्छे से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, उसकी फैमिली जेबा की फैमिली हम लोग सब मिलके। हम लोग वो आशु के टाइम पे भी सोचे थे पर कुछ थोड़ी सी मेरी तबीयत वबीयत खराब थी तो ये वजह से मैंने गई थी, हम लोग दूसरे दिन गए थे और केक भी नहीं लेके गए थे, तो उसके दादा दादी ने
अच्छे से बना लिए, तो अभी हम लोग अभी भी मिलजुल के अच्छे से बनाएंगे, है कि नहीं? तभी मैं बैठे बैठे मैं ब्लॉग भी एंड नहीं करी, चलो थोड़ी सी बात करूंगी। और हुरैन जिसकी बिल्ली थी उसको लेके आ गए हम लोग ने। तो असल में क्या हुआ था, हम लोग वॉक करके आ रहे थे ना, तो ये पर्शियन कैट बोलते हैं या अमेरिकन कैट बोल रहे थे ना। हाँ, लोग बोल रहे थे कि वो अमेरिकन कैट थी। हाँ, अमेरिकन कैट है बोले। तो वो मतलब रास्ते में मुझे दिखी थी, तो 1 बजे रात को। हाँ, 1 बजे थे, मैं वॉक करके आ रही थी। तो कुत्ते भी थे उधर 3-4, और वो इधर उधर लौड़ रही थी, भाग रही थी, और कुत्ते उसको देख के भौंक रहे थे, उसको देख रहे थे। तो मैं बोली क्या हूँ, चीर फाड़ करके खाना ले, मेरे को बहुत तरस आ रहा था। तो फिर मैंने गोदी में ले ली और इधर उधर देखी, कोई दिखे नहीं। वो बंगले वाले क्या खेल रहे थे, फुल बैट, वो मैंने उन लोगों ने भी कुछ बोले नहीं, शायद उनकी भी नहीं होंगी, किसकी छूट गई होंगी या कुछ हो गई नहीं। तो कुत्ते खाना ले वजह से मैं लेके आ गई उसमें। फिर दूसरे दिन वो बिल्ली को लिहाला के डाले, तो बेचारी एकदम चुपचाप सी, जाहिर सी बात है घर बदली हुआ। तो जब इंसान नहीं बोलते ना, इंसान को अजीब महसूस होगा, वो तो जानवर है। तो बेचारी एक कोने में बस वो सोफे के नीचे सो रही, पर बाथरूम करने के टाइम पे बराबर बाहर निकल के वो बराबर बाथरूम में जाके टॉयलेट विलेट सब करी उसने माशाल्लाह, और नीचे जाके फिर घुस जा रही थी। हाँ, और फिर ना खाना भी उसको मैंने ना एक फ्राई करके दी थी, उसने वो नहीं खाई थी। फिर बॉइल चिकन करके दी थी सूप के साथ, तो उसने वही खाई, थोड़ा सा नहीं, अच्छा माशाल्लाह, मतलब एक ही टाइम खाई, मतलब उसने कल रात से लेके तो शाम तक एक ही टाइम खाई थी। तो खाली मुंह लटका के एकदम नर्वस होके वो पड़ी थी, कुछ बोल रही नहीं थी, खेल रही नहीं थी। तो मैंने इसके अब्बा को बोली कि तुम्हें ना एक बार उधर जाओ, जिधर से मुझे बिल्ली मिली उधर जाके पूछो कि भाई किसकी बिल्ली है, हो सकती किसकी बिल्ली निकल गई होंगी बाहर या कुछ भी हो गई होंगी। तो जो दुकान थी उधर एक टेलर की, तो वहीं पे इन्होंने जाके पूछे और बिल्ली उन्हीं की निकली। फिर वो बच्चे उन्होंने जाके बोले कि भाई तुम्हारी बिल्ली मैं लेके आई ली, मतलब मुझे रास्ते पे मिली, अगर तुमको जान लेने का है तो घर पे जाके पता बिता दे दिए, तुम जाके ले लो। फिर दोनों बच्चे आए और बिल्ली को लेके गए। बिल्ली का नाम भी इतना प्यारा लगा ना मुझे, हुरैन। क्या नाम, हुरैन नाम था माशाल्लाह, हुरैन की हुर था, हुरैन क्या हुरम, हुरम 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 क्या हुरैन कुछ तो था। हाँ माशाल्लाह, उसका नाम बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोनों बेचारे बच्चे ना बिल्ली को लेके चले गए, है ना। जब मेरी बिल्ली थी तो मेरी बिल्ली घूम गई थी ना, तो मैं क्या बताऊँ, मैं तो पूरा बोलते हैं ना पूरी ब्रीडिंग टेस्टनेस कर दी थी मैंने, ब्रीडिंग से लेके बाहर से लेके कातलक ने उसको सीसीटीवी तक का खुद देखने का सब सीसीटीवी ये वो हर एक बोलते ना, हम लोग की सोसाइटी चारों विंग के हम लोग ने छान ली थी मेरी बिल्ली जब घूमी थी। तो वो तकलीफ तो मेरे को मालूम है बाबा, मैं जब जानवर पाली ली थी तो मेरे को मालूम रहता। तो फिर जो जिसकी थी उसको भी उतनी तकलीफ हो रही होगी। तो ये वजह से ना मैं जाके बोली कि तुम पूछो, तो वो जैसे उधर गए तो डायरेक्ट वही घर से पूछे जिसकी बिल्ली थी। तो फिर देखे आ गए हम लोगों ने उनको बिल्ली ले जाके, जिसकी बिल्ली थी उसको देखे आ गए। अभी मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करूंगी, तो कुछ बोलना था तब वो गिफ्ट के बारे में। हाँ मूसा, मेरा गिफ्ट कैसा लगेगा बताना, मैंने सारा गिफ्ट तेरे लिए ला के रखी हूँ घर में अभी से। होशियार क्या बोल रही, ध्यान से सुन, और हमें तुझे कुछ बोलने का है। नहीं वो कुछ भी नहीं बोलेगा, उसको कुछ बोलने का नहीं है। नहीं बोलने का बाबू, कुछ बोलने का देखो। नहीं वो कुछ नहीं बोलेगा, उसने कुछ लाया ही नहीं तो क्या बोलेगा। देखो मैंने भी नहीं ली, तब्बू ने, मैंने भी नहीं ली, आमिर ने नहीं ली, सिर्फ तब्बू ने ली ली, सिर्फ मैंने। तो सिर्फ बर्थडे वाले ब्लॉग में मालूम पड़ेगा। हाँ। क्या क्या लीला है कि नहीं। हाँ, ठीक है। तभी तब्बू के हाँ में हाँ भरने से क्या जाता है, ठीक है नहीं। मेरे को मालूम, इन लोगों को जलन हो रही है तो होने देते, थोड़ा कोई जलन नहीं हो रही, अपन कंटिन्यू सब मिलके देने वाले हैं, मतलब अपना कुछ नहीं, सिर्फ मैं अकेले सब देने वाली हूँ। इसका उसका अकेला रहेगा वो बताऊंगी, कुछ भी अकेला नहीं। मम्मी देखो जानना कुछ ना कुछ, मम्मी अभी बोल दो, कोई नहीं कुछ बोलेगा, ये नहीं लोग सोचेंगे कि जान दो बीच की बेटी अकेले देने, नहीं सोचते लोग, बोल दो। और फिर मेरे बच्चे को दुआ देना, मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, है कि नहीं, पढ़ाई में आगे जाए, और मेरे बच्चे की तकदीर अच्छी रहे। मेरे सब बच्चों लोग को, तीनों बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, सबको दुआ दो, एक दूसरे के लिए दुआ ही करो। चलो हाँ, बहुत दुआएं कर लिए लोगों ने भी, एक वीडियो बढ़ रहा है, पता नहीं कब किसकी दुआ कब मुझे, है कि नहीं। ये ब्लॉग यही उनका एंड होता है, नींद भी आ गई। ये ब्लॉग यही पे कितने बज रहा है, 1:30 बज रहा था तब। हाँ। वो
टाटा। मैं बोली चलो ब्लॉग को कर, इनके पाँव भी थोड़े से मस्सर हो गए क्योंकि इसके भाई ना पैर दबाने नहीं बोलते हैं, इनकी एक आदत है ना पैर ना हाथ कुछ दबाने नहीं बोलते, इतने बोलते ऐसे ऐसे मालिश करो ऐसे ऐसे मतलब मसाज करने की इसकी आदत नहीं लगती, हाथ पैर दबाएंगे ना तो आदत लग जाती, और मैं अलहमदिल्ला रोज रखती हूँ ना तो ऐसे ऐसे उनके पैर मसलते हैं। तो आप भी अपने शौहर की खिदमत करना और उनके हाथ पैर मसलना दबाना जो उनको अच्छा लगे, हाथ पैर दबाना खाली गला नहीं, भरोसा नहीं है कोई औरत अपने आदमी, कोई औरत अपने आदमी से परेशान होती है, सोचते हैं कि ये हाथ पाँव दबाते 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 गला दबा देती हूँ, तो गले वाले मत दबाना अपने शोहर के, सिर्फ हाथ पाँव दबाना। तो बहुत बढ़ गया ब्लॉग, ज्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाने का था, फिर भी जाके बड़ा ही हो जाता है ना, मम्मी की वजह से बढ़ गया, मैं बोल रही थी चुपचाप नहीं मतलब वैसे कुछ बातें नहीं हो पाती, फिर कुछ बनाते बनाते फिर बात निकल जाती, तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूंगी, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़। आमिर अरे मेरा मत दिखा, तेरा दिखाऊंगी।